एमसीक्यू नंबर 8 एक बार रीड कर लो. ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0, सी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू जो चॉइस दी गई है 1 0 ए बी सी और माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. एक बार चॉइस देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब सॉल्यूशन के ऊपर आ जाओ तो जो 8 का जो सॉल्यूशन है जितना डेटा है और जिस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों उतना डिफिकल्ट नहीं है. इसको मैं बोल सकता हूं क्यों ये जो डिटरमिनर है उसको मैं बोलूंगा स्क्यू सिमेट्रिक. डिटरमिनर अब बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं आपके नॉलेज में. और हर एक एलिमेंट के लिए एक जो कंडीशन रहती है कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे. सो अपार्ट ऑफ दिस मैं ये दो एलिमेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ. कौन सा तो मैं लिख सकता हूँ कि ए 1 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए 2 1. ए 1 2 मतलब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और ए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. और भी कोई एलिमेंट लेके आप लोग जा सकते हो बट ये चलेगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए. एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए कैंसल. 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिव्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0. तो अगर x इक्वल्स टू 0 हम लोग लिखते हैं तो करेक्ट चॉइस जो यहां पे हो जाती है वो कौन सी होगी बी. करेक्ट चॉइस इज बी. एक बार देख लो और फिर 9th वाला फोकस कर लो.